इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है, डेस्कटॉप लैपटॉप, तो आप उस कोर्स को अगर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं इस तरह से जो है फोर्सफुली वो कोर्स मतलब ले लेते हैं, मतलब फोर्स करते हैं कोर्स लेने के लिए कि इस कोर्स से आपको जॉब मिल जाएगा, ये वो बहुत सारे फ़ायदे आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसा भी दे देते हैं, बाद में क्या होता है आपको कुछ वीडियो दे देंगे, मतलब वो जो YouTube में फ्री में मिलता है। तो इस तरह का कोर्स अगर आप पैसा दे के लेते वो आपका पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। मतलब आप इस कोर्स को लेके क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है, अगर मान लीजिए 5-10 हज़ार दे के आप अगर सेकेंड हैंड कंप्यूटर भी खरीद लेते तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आप उसको उस पैसे को देंगे तो आपको क्या देगा, एक वीडियो दे देगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा, मतलब क्या होगा। ये सारे वीडियोस जो है YouTube में और भी उससे अच्छा वीडियो फ्री में मिल जाता है। तो इस तरह का कोई भी कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। अगर लेते तो आप मतलब बहुत सारे लोग जानबूझ के भी ले लेते हैं, मतलब जानते हैं कि ये लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो लोग इस तरह से आपको फोर्स करते हैं कि ये कोर्स ले लेने से अच्छा होगा। अगर आप मान लीजिए पहले आपको ज़्यादा पैसा बोलते, बाद में कम करते करते 1-2 हज़ार भी आपसे ले लेते, तो इस तरह का कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए ना तो लैपटॉप है ना तो डेस्कटॉप है, तो इस वीडियो से आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी कोर्स आप लेते हैं तो उसको तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके लिए आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप तो होना चाहिए, तब जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना आप उस कोर्स का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो इस तरह का आपको कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।